नहीं किया, वो डेक कर रहा होता है। तो वो डेक करने के लिए होती है ये जो मैंने बनाया, ये क्या कहते हैं चीजों को, मतलब लिटरली पकड़ के ऊपर लेके और उसको कहीं और रख सकती है। मतलब एग्जाम्पल ऑफ सम सिनेरियो जो इन्होंने रियल लाइफ में देखा हो कि एक घर बन रहा था, तुमने देखा एक मशीन होता है, सो दैट दे कैन कनेक्ट टू इट। हाँ, तो जैसे अभी ग्रीन्स में बिल्डिंग्स बन रही थी, तो हो सकता है मेरे तरह कि ये मशीन कहीं पे तो यूज हुई होगी, जैसे सामान कुछ भारी सामान होगा तो मतलब ऐसे यूज नहीं करेंगे, तो ऑफ कोर्स छोटा डायग्राम है उसका। किसी बहुत बड़ी मशीन, बहुत भारी चीज को जो हम नहीं उठा सकता, वो उसको यूज करने के लिए ये मशीन उन्होंने यूज करी होगी, एक उसी सामान को उठा के उसको कहीं और रखेंगे। लेस हाँ क्लियर। तुम्हें तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कह रहा है अरिश्वर? तुम्हें पता है किस मशीन के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा है? करें हाँ, करें अरे ग्रेम समझ गया। ये सब तो ये क्रेन समझ गया है। आर यू टॉकिंग अबाउट द क्रेन? नो, ओके। तो क्रेन अलग चीज होती है, हैंड की चीज, मतलब हैंड 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 का करता चीज वो उठा के दूसरी तरफ रखता है, तो क्रेन दूसरी चीज होती है, ये हाइड्रोलिक हैंड। तो हैंड में बेसिकली इसके अंदर चार मोशन थे, मैंने तीन करे, एक इस पूरे आगे वाले पार्ट का ऊपर नीचे होने का, और सिर्फ आगे वाले पार्ट का ऊपर नीचे होने का, और फोर्थ मोशन के अंदर ये पूरे ऐसे मूव करता था। तो Where is the hand? ये जो फ्रंट पार्ट है ये ऐसा हैंड है जो टूट गया है। तो मैंने भी इसके स्टैंड्स नहीं बना, तो बेसिकली ऐसा अभी हार्ड का पार्ट नहीं करा मैंने, तो इसको ये जो पूरा ऊपर नीचे हो रहा है इसको फर्स्ट मोशन कह सकते हैं कि सबसे पहले करा था, तो और पूरे प्रोजेक्ट को ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये फर्स्ट मोशन। यू कैन शो दैट ना, दैट यू कैन शो। हां जी, पूरा खत्म करना हो इट्स ओके, बट show them a little bit na, at least so that they understand. But I think maybe a few of them have already you know but just Diya hai, she doesn't know really, so a little bit of visualization would be good. See, did, yes, okay, and then the other part, the upper half. Visualize.
अच्छे दिख रहे हैं तुम्हें पकड़ते हो तो कर भी रहे हो तुम्हें पता ही है। ओके ग्रेट, सो द ओनली थिंग वाज इसका एक रोटेशन एंड द हैंड मूवमेंट व्हिच यू डिड नॉट डू। आई थिंक हैंड आल्सो यू डिड गुड टू हियर। हां ठीक है ठीक है एक्सप्लेन। तो स्कॉलिंग वाला पार्ट भी ऐसे ही फंक्शन कर रहा है जैसे दोनों का है। तो अब जैसे ये मतलब प्रोजेक्ट पूरा इंटरकनेक्टेड है, अगर ये गलत हो गया तो ये इसको अफेक्ट करेगा, ये गलत हो गया तो ये हैंड को अफेक्ट करेगा, और स्टिक्स कैसी पोजीशन पर डालनी है जिससे कि फर्स्ट मोशन एकदम सही हो, और इसको कैसे चिपकाना है, और सिरिंज के अंदर पानी कैसे भरना है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। क्योंकि क्या हुआ था, मैंने सिरिंज के अंदर पानी भर से डाल दिया था, तो उसके अंदर पानी की जगह एयर थी, तो एयर की वजह से वो जैसे ही मैं सिरिंज को आगे कर रहा था वो पीछे वापस से जा रही थी, तो ये सिरिंज की एक प्रॉब्लम थी। तो वहां पे जो लिक्विड यूज हो रहा है उस पे फर्क पड़ेगा उस हीट का।
अफेक्टेड बाय एनी हीट? नो, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सिरिंजेस यूज नहीं होती, उसके अंदर एक्चुअली मतलब थोड़ा जैसे कि इसके अंदर तो पानी भी इवेपोरेट होता है ना, उसके अंदर जो भी लिक्विड होता है, मैं वही बोलना चाह रहा हूं एग्जैक्टली, तो द लिक्विड हैज टू बी द सेम इन अ लार्जर रेंज ऑफ हीट, राइट? अदरवाइज इट विल इवेपोरेट, इट विल हैव इंपैक्ट ना, तो व्हाई डिड यू से नो बिफोर विदाउट थिंकिंग? Heat has impact on anything. Why did you say no? Anybody else has any questions? किसी को कुछ, you sure? पक्का?